हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं बिट्टू अक्षय। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेनेवो लैपटॉप को बूट सेलेक्ट कैसे कहते हैं। किसी भी लेनेवो लैपटॉप को उसका बूट सेलेक्ट करना हो, यानी कि या पेन ड्राइव से मुझे फॉर्मेट मारना है, या सीडी ड्राइव से, या हार्ड डिस्क ड्राइव से, तो मैं सिलेक्ट कैसे करूँगा कि वो पेन ड्राइव से फॉर्मेट मारना है मुझे, या रिपेयर करना है, या कुछ भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, 10 हो या 7 हो, तो मैं सिलेक्ट कैसे करूँगा। आपको इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बायोस सेटिंग छेछा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही आप कह सकते हैं, सबसे पहले इसका पावर बटन आप प्रेस कीजिएगा। लेने वो लैपटॉप का ये पावर बटन है, एक बार प्रेस करने के बाद फिर F12 प्रेस करना है आपको। F12 पाँच छः बार प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा बहुत सारा, यानी कि अभी फ़िलहाल 3 आएगा। एक तो ऑप्शन आएगा आपका ATA हार्ड डिस्क ड्राइव का, यानी कि आप हार्ड डिस्क में रिकवरी मोड सेलेक्ट किए हो तो उसके थ्रू आप रिकवर कर सकते हो। और ये CD ड्राइव का, CD ड्राइव में विंडोज 7 का कैसेट लगा के, या 8 या 10 कुछ भी, आप उसके थ्रू फॉर्मेट मार सकते हो। PCIe लैन के थ्रू भी फॉर्मेट मार सकते हो DOS मोड में। और अगर आप पेन ड्राइव USB लगाए होते, पेन ड्राइव से फॉर्मेट बनना है, तो एक और ऑप्शन आ जाता है पेन ड्राइव का। तो आप इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहेंगे? अगर पेन ड्राइव सिलेक्ट करना चाहेंगे तो फिर पेन ड्राइव आपको लगाना होगा। तो इस तरह आप लेनेवो लैपटॉप का बूट सिलेक्ट कर सकते हैं, बूट मेनू फूट फॉर्मेटिंग के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अभी तक पेन ड्राइव को बूट नहीं बनाया है, बूटेबल नहीं बनाया है, तो आप अगर बूटेबल बनाना चाहते हैं उसको, तो अगर वो सीखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। और किसी भी चीज़ का आपको जानकारी चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।